और यहाँ पे आप देख सकते हैं डोनेशन बॉक्स बन रहा है, यहाँ पे काफी सारा बल्क क्वांटिटी में है, कुछ वहां पे भी आप रखा हुआ आप देख सकते हैं। और पिछला वीडियो में हम आपको बताए थे कि इसका मैकिंग प्रोसेस आपको बताएंगे, इसमें लॉक लगने वाला है कुछ इस तरीके से, ये लॉक रहेगा और सारा चीज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो इसमें पार्ट पार्ट हम अपना जो है यहाँ पे रख चुके हैं, आपका ये स्लॉप एक लगेगा और ये पीछे का है, पीछे में आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हैंगिंग के लिए दो हॉल है और ये जो हॉल आप देख रहे हैं लॉक के लिए है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कटिंग कर लिए हमने यहाँ पे पैसा वगैरह डालने के लिए। और ये फ्रंट का है, मतलब चार पांच सीट लग करके यहाँ पे ये बनेगा। तो सबसे पहले हम इसका पैकिंग पेस्टिंग आपको दिखाते हैं और पेस्टिंग करके इसमें लॉक वगैरह सारा चीज सेट करके दिखाते हैं। ये बॉक्स का साइज है 4 इंच बाय 4 इंच, ऐसे पूरा 4 इंच बाय 4 इंच, हाइट 6 इंच है और 1 इंच डाउन है इधर साइड में। और यहाँ पे देख सकते हैं ये प्लेन है और यहाँ से जो लॉक लगेगा भी वो खुल करके बाहर निकल जाएगा, फिर वापस से लग जाएगा। तो आप जब डिजाइनिंग करेंगे, साइज जब अपने हिसाब से लेंगे, तो लॉक का जगह वगैरह जो है सारा चीज अपने हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। काफी टाइम लगता है, तकरीबन आधा घंटा के आसपास हमको याद है, 1 घंटा के आसपास लगा था ये लॉक को सेट करने में। तो आपको थोड़ा सा वक्त कम लगेगा इस वीडियो को अगर आप अच्छे तरीके से देख लेंगे। तो इस तरीके से सेट करना आपको, यहाँ पे नोजल लगा लेना है, नोजल आपको बॉक्स के अंदर मिलता है। और यहाँ पे आपको हल्का बोन डालना है, ज्यादा ही डालना है, हल्का बोन डालेंगे तुरंत चिपकेगा, ज्यादा बोन डालेंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये अपना पेस्टिंग हो गया, जरा सा भी हमें वेट नहीं करना पड़ेगा इसके लिए। और जरा सा भी दाग धब्बा, और लोकल बोन्ड में क्या होता है ना, वाइट वाइट सा धब्बा धब्बा टाइप से हो जाता है, इसमें वो चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा और काफ़ी फास्ट है। तो यहाँ पे आपका इसका ध्यान दीजिएगा, पॉलीफिक्स में बहुत तरह का बोन्ड है, बहुत तरह का, तो ये वाला अगर फास्ट चाहिए तो ये वाला स्पेशल आप ध्यान दीजिएगा, इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, यही वाला ऑर्डर कीजिएगा अगर आपको फास्ट बोन्ड चाहिए तो। तो अब इस तरीके से हम यहाँ पे स्लॉप है, दोनों स्लॉप को हम यहाँ पे इस तरीके से पेस्टिंग कर लेंगे। ये देखिए ये यहाँ से हो गया पेस्टिंग, और थोड़ा सा यहाँ पे बॉन्ड, अब नीचे का पार्ट जो है इसे हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे रख लेंगे। ये अपना हो गया सेट। अब वीडियो आप नॉर्मल स्पीड में देख रहे हैं, जरा से वीडियो को फास्ट नहीं किया हुआ है, हम देख सकते कितना स्पीड है, वाकई में स्पीड पेस्टिंग हो रहा है इस बॉन्ड से। इसमें आपको एक्टिवेटर स्प्रे का भी जरूरत नहीं है, कितना भी स्पीड आप काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अपना, अब लास्ट में ये वाला जो है इसे हम पेस्ट कर देंगे यहाँ से इस तरीके से, यहाँ पे हल्का हल्का बोन डालेंगे, एकदम जड़ा से डालना है, बस इसका ख्याल रखना आपको, बोन एकदम हल्का हल्का डालना है, ज़्यादा डालेंगे थोड़ा सा दिक्कत कर देगा। और इसे रख देते हैं यहाँ पे इस तरीके से उल्टा, और थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पर बोन डाल देते हैं, ये अपना इधर से और इधर से। और यहाँ पे हम मार्किंग लगा लिए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्केच किया हुआ है, यहाँ पे एक सपोर्ट लगेगा, ये सपोर्ट हम यहाँ पे ले लिए हैं, ये सपोर्ट को हम इस तरीके से यहाँ पे लगाएंगे, अंदर से लगाना है, बाहर से नहीं लगाना है, यहाँ पे इस तरीके से लगाएंगे स्केच को देखते हुए, ताकि सीधा चिपक जाएगा अपना। और ये हो गया अपना पेस्टिंग, तो ये अपना हो गया पूरा बॉक्स कंप्लीट। अब बारी आता है लॉक लगाने का, तो लॉकिंग के लिए ये अपना लॉक है, ये सब ड्रॉअर वगैरह में लगता है, यही लॉक है। तो इसे हमें करना है थोड़ा सा हाइट करके, पिछले वीडियो में जो दिखाए थे तो हम ऐसे लगा दिए थे, ये ऐसे नीचे निकला हुआ था, तो इस बार हम इसे पूरा ऊपर करके लगाएंगे। एक बार आप डिजाइनिंग सेट कर लेंगे ना, तो फिर कितना भी पीस बॉक्स रहेगा आपको बहुत ही कम टाइम लगेगा बनाने में, बस एक का आपको नाके निकालने में जो टाइम लगना है उसे लगना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉक अपना कहाँ पे लगेगा, इधर लगेगा ना, इसे हम ऐसे लगाएंगे, ये यहाँ से ऐसे करके, यहाँ से ऐसे, ये
ये अपना सेट होकर पूरी काली काली चिपक जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं लॉक के लिए आ गया है। अब जो है ये जो स्केच लगा हुआ है इसके ऊपर में दो एक्रेलिक और चिपकाएंगे ऐसे करके। एक एक्रेलिक यहाँ पे लगा दिए। सब मार्किंग आपको कर लेना है, और अगर आप इतना ज्यादा तामझाम नहीं करना चाहते तो इस वाले नंबर पे कांटेक्ट करके रेडीमेड मंगवा सकते हैं पूरे इंडिया में घर बैठे कहीं से भी। और एक हमको इस तरीके से यहाँ पे ऐसे चिपका देना है। ये देखिएगा, ये आप देख सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, ये मटेरियल के लिए, बॉन्ड के लिए, एक्रेलिक के लिए, इसके लिए हमको कॉल मत किया कीजिएगा। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, पॉलीफिक्स के नाम से नंबर हम नीचे डाल देते हैं। अगर मंगवाना हो एक दो डब्बा नहीं, कुछ तरीके से एक दो पैकेट आपको मंगवाना पड़ेगा। ऐसे एक दो डब्बा अगर आपको चाहिए तो लोकल कहीं से आप ले सकते हैं। अगर डब्बा लेना हो तो इस जो नंबर डालेंगे ना उस पर आप कॉन्टेक्ट करके ले सकते हैं। तो अब जो है हम इसे इस तरीके से देखिएगा, यहाँ पर ऐसे करते हैं, ऐसे करते देखिएगा, यहाँ से ऐसे गया, ऐसे स्लाइड होकर यहाँ आया, और नीचे वाला जो एक्रेलिक हम लगाए थे सपोर्ट उसमें जा करके ये ऐसे लॉक हो गया, यहाँ दिख रहा ना आपको। अब जो है यहाँ से हम इसे लॉक करेंगे। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से ऐसे करेंगे तो वापस निकालेंगे, और ऐसे लग रहा था ना, ऐसे करके ऐसे इसे हम इस तरीके से यहाँ पे सेट कर लेते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं, ऐसे करके ऐसे ऐसे, हाँ बिल्कुल सही। इसे वापस निकाल के अब इसका जो है यहाँ पे देखिए हाफ कटिंग हमने किया है एक्रेलिक का, थोड़ा सा मोटा एक्रेलिक का, 6 mm के आसपास का एक्रेलिक को ऐसे पेस्ट कर देना है, यहाँ से यहाँ पे ऐसे करके ऐसे पेस्ट कर देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम ना जेल ग्लू लगा देते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा हैवी हो जाएगा मेटल पेस्टिंग करने के लिए, जेल ग्लू ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ से लेते हैं जेल ग्लू, यहाँ पे है जेल ग्लू अपना, मेटल पेस्ट करने के लिए जेल ग्लू काफी अच्छा होता है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे जेल ग्लू थोड़ा सा डालेंगे यहाँ और यहाँ, है ना। और जेल ग्लू सूखने में तो वक्त लगता है आपको पता ही होगा, तो इसके लिए हमें चाहिए एक्टिवेटर। तो यहाँ पे एक्टिवेटर लगा देते हैं, ये देखिए बस अपना लॉक हो गया जाम। और एक्टिवेटर भी अभी दो तरह का मेरे पास में आया है, तो दोनों का थोड़ा थोड़ा सा अलग यूज है, वो अगले वीडियो में आपको बता देंगे। तो इसे सिंपल यहाँ से इस तरीके से इधर ले जाएंगे, और इधर ले जाने के बाद में इधर स्लाइड कर देंगे। यहाँ देख सकते हैं कितना इजीली हो रहा है, एक बार और दिखा देते हैं आपको। यहाँ से ऐसे इधर ले जाना है, फिर वापस उधर लेके जाना है, उधर ले जाने के बाद में फिर वापस इधर स्लाइड कर देना है, ठीक है। अब यहाँ से हम इसे लॉक कर देंगे, ये देखिए ये अपना लॉक हो चुका है। अब ये अपना बॉक्स अंदर में सेट हो गया है, और अब जो है थोड़ा सा यहाँ पे ये जो गैप है इसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख रहे हैं हम, ताकि एडजस्ट करने में दिक्कत ना हो। और जब एडजस्ट हो जाएगा तो एक रिंग यहाँ से हम इसमें यहाँ कटिंग करके रखा हुआ होगा, ये देख लेते हैं, एक पीस भी मिल जा। कहीं पे होगा, तो रिंग लग रहा नहीं है, अभी हम उसे कटिंग कर लेते हैं, कटिंग करके लाके लगाते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से अब लगा करके ये अलग से यहाँ पे ऐसे लगा देंगे, ये
कुछ इस तरीके से। तो ये अपना प्रॉपर फिट हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपर फिटिंग हो गया, अब लूज भी नहीं रहा जिस तरीके से। अब सिंपल आपको करना क्या है, इस तरीके से यहाँ पे आप यहाँ पे हैंग कर देना है, और यहाँ पे पैसा डाल करके किसी का मदद कर सकते हैं आप, और सब्सक्राइब बटन दबा करके मेरा भी मदद कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी इतना सारा रखा हुआ है मेरे पास में, तो सब में हम लगाते हैं लॉक, और लॉक लगाने के बाद में हम भेजते जहाँ से ऑर्डर आया वहाँ के लिए, और आप पूरे इंडिया में घर बैठे कहीं से भी मंगवा सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा वीडियो में जरूर कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी तरीके का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द कुछ नए वीडियो साथ में, जब तक के लिए टेक केयर।